गाइस अब देख सकते हैं कि चोट लग गई है। हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और पिछला व्लॉग मैंने जहाँ से छोड़ा था मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था। तो अभी हम जा रहे हैं, कुछ सामान हमने लेना है शॉप से, तो हम शॉप पे जा रहे हैं। मेरे साथ जा रही मम्मी, मैं जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं। चलो इसमें चलते हैं दुकान। मैं बैठू पीछे से। यार किसकी साइकिल है, ऐसे गलत बात है। जा रहे हैं दुकान में, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर एक छोटा सा मार्ट है, तो वहाँ से हम लोग सामान खरीदेंगे। तो आज देखते हैं क्या क्या खरीदना है। हमारा मंदिर में प्रोग्राम है क्या आज? ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको आज पूरा दिखा देती हूँ। से है और ये अंदर। हाँ पर ये टाइम लगेगा, कल बना पाएंगे इसको। साइकिल नहीं है क्या यहाँ पे? अरे साइकिल चाहिए, तो अभी रिक्शा कहाँ से लाएंगे? आज तो सही वीडियो बन रही है। प्रसाद की सूजी का बनाएंगे। हाँ लेकर चलते हैं वो कंडी। तो देखिए घर की लौकी, अरे सारे लौकी लौकी यहाँ पे तो सब लौकी लौकी है। पपीते हम सामान लेकर आ चुके हैं, और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। बाल्टी जो है फ्री में लेकर आई मम्मी, इसके साथ 2 किलो के डिटर्जेंट के साथ, ये 3 किलो के डिटर्जेंट के साथ ये बाल्टी फ्री। यह और 2 बाल्टी इकट्ठा कर चुकी है मम्मी, 2 बाल्टी। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आप जो व्लॉग देख रहे थे वो था 30 अगस्त का व्लॉग, और आज है 31 अगस्त। तो मैं कल एंडिंग नहीं कर पाई थी, तो आज मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने मम्मी को दिखाया था, मम्मी को ऑफिस में मिलाया था, फिर मैं कल एंडिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं और वीडियो शूट करने लग गई थी। बट मैंने वो अपलोड नहीं की क्योंकि फिर मेरा मूड ऐसे ख़राब हो गया था, फिर मैंने अपलोड नहीं किया। और मूड ख़राब होने का रीज़न आपको टाइटल देख कर पता चल ही गया होगा कि मम्मी को सुबह चोट लग गई थी, और उनके आँख के ऊपर चोट लगी है और इधर एक आँख स्वेलिंग हुई है। तो अभी रेस्ट कर रही है, सो मैं आपको मिलाऊंगी जब उठ जाएगी। तो जब 7 बजे लगी चोट और 7 बजे उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, तो फ़िलहाल डॉक्टर ने पट्टी वट्टी उसमें की है, अभी कर रही है रेस्ट। तब तक मैं बना लेती हूँ खाना, फिर आप सबसे मम्मी को मिलाऊंगी। तो मम्मी इस वक्त रेस्ट कर रही है, तो मैं खाने के लिए बना लेती हूँ खाना, और अभी हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं बना रही हूँ इसकी दाल, ये देखिए, ये है मसूर, साबुत मसूर, उसकी दम है। तो चलिए शुरू करते हैं।
हमने मसाले डाल दिए हैं जो सूखे मसाले होते हैं रेगुलर वाले, और ये कुछ इस तरीके से लग रही है। भी इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम सीटी लगा देंगे। तो हमारी दाल देखिए रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी तरह पक गई है। तो आज हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। पुदीना देखो ऐसे तोड़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और ये हम बनाएंगे हाथ से पीस कर। तो इतना काफ़ी है। और यहाँ लगी है ये हल्दी लगा रखी है। तो अभी जब इसके ना पूरे पत्ते सूख जाते हैं तब जाकर ये होती है। इसका मतलब जब पत्ते सूख जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि हल्दी पूरी तरीके से बन चुकी है। ये है आम का पेड़ जिसमें इस बार बिल्कुल भी आम नहीं हुए थे। ये मुझे पता नहीं कि क्या है पत्ते, लेकिन इसकी भी सब्ज़ी खाई जाती है। पुदीना इकट्ठा कर लिया है और मैं इसकी बनाने वाली चटनी, और मैं बनाऊँगी इसको हाथ से पीस कर। तो चलिए, तो ये है चटनी के लिए जो जो चीज़ चाहिए। तो इसमें है ये पुदीना, ये है हरी मिर्च थोड़े से, मतलब चार मैंने कली इसमें सिर्फ लहसुन की डाली हैं, और ये है टमाटर और ये है नमक। तो चलिए इसको पीसते हैं इसकी मदद से। ये जो है ना, ये ट्रेडिशनल तरीका है किसी भी चीज़ को पीसने का, और इसको काफ़ी साल हो चुके हैं और लगभग यहाँ पे सबके यहाँ पे ये मिल जाता है, हर किसी के घर पे होता ही होता है। तो ये काफ़ी पुराना है, इसको काफ़ी साल हो चुके हैं। और जब कभी लाइट नहीं होती है या फिर हाथों का स्वाद चाहिए होता है तो इसका यूज़ कर लेते हैं, और हाथों से पीसे हुए मसाले का स्वाद ही अलग होता है, मसाले हो या फिर चटनी हो। तो चलिए इसको पहले पीस लेते हैं।
तो ये चटनी हमारी बन चुकी है और मैंने इसको बाउल में ले लिया है, और ये जैसे दिखने में लग रही है वैसे खाने में भी होगी बहुत ही यम्मी टेस्टी। आप भी ट्राई कर सकते हैं घर पे अगर आप। तो गाइस अब देख सकते हैं कि चोट लग गई है, और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी जन्माष्टमी की, लेकिन मैंने डाली नहीं क्योंकि सुबह सुबह देखा और उनको एडिट भी करनी थी तो एडिट भी कर पाई थी। कैसी लगी वो चोट दिखाना? तो इस आँख में लगी है आँख के ऊपर और कट आया है, तो उसमें डॉक्टर ने दवा लगा रखी है और थोड़ी सी पट्टी वट्टी, बाकी अभी ठीक है। तो इस वजह से मैंने वो ब्लॉग एडिट नहीं किया और मैंने न्यू ब्लॉग बना लिया। तो चलिए गाइस अभी मैंने मिला दिया अपनी मम्मी से, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक थोड़ा मम्मी का ध्यान रखते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।